नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारतीय परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि, स्वर संधि का चौथा प्रकार। इससे पहले हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं, तो आज हम चौथे नंबर की जो संधि है हमारी वो कौन सी है? स्वर संधि की यण संधि। ठीक है, यण संधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यण संधि को पढ़ने से पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है आधा वर्ण, ये व्यंजन हो सकता है, ठीक है, प्लस या तो यह होगा या वह होगा या फिर र होगा। यदि आधे वर्ण के साथ में आपको य, व, र इन तीनों में से कोई एक व्यंजन मिलता है तो वो कौन सी संधि होती है? हमारी यण संधि होती है। इनके सबके तीनों के अलग अलग नियम है। जैसे ई के बाद में असमान स्वर आ जाता है। असमान क्यों आया? यदि समान स्वर आएगा ई के बाद में तो वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। इसलिए यदि छोटी ई के बाद में असमान स्वर आता है तो जो छोटी ई है वो य में परिवर्तित हो जाती है, आधे य में, ठीक है। फिर ऊ के बाद में, यानी छोटे ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो छोटा ऊ आधे व में परिवर्तित हो जाता है। और यदि री के बाद में असमान स्वर आता है तो वो आधे र में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम ई के उदाहरण देखते हैं कि छोटी ई कैसे य में परिवर्तित होती है। देखिए, सबसे पहले पहचान, वही आधा वर्ण दिख रहा है आपको, आधे वर्ण के साथ में आपको य भी दिख रहा है। फिर यहाँ भी देखिए, आधा वर्ण और य, आधा वर्ण और य, आधा वर्ण य, आधा वर्ण, ये र आधा है और ये य है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज, ये र आधा है और यहाँ य है। फिर आधा वर्ण और य, आधा वर्ण और य, आधा वर्ण और य, आधा वर्ण और य, और आधा वर्ण और य। अब हम इसे तोड़ेंगे कैसे, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? आपने शब्द को पहचान लिया कि आधा वर्ण है, आधे वर्ण के साथ में क्या है? य है। तो बस आपको यहीं से तोड़ना है कि जो आपको य दिख रहा है, इस य को आपको छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करना है। कैसे? य किसके बाद में है? त के बाद में। तो हमने त लिखा और ये जो य है इसको किसने में बदला? हमने छोटी ई में। और य में कौन सा स्वर है? अ है, उस स्वर को अलग कर दो। ये क्या हो गया हमारा? अति धन अधिक, क्या हो गया? अत्यधिक। देखिए, फिर से देखिए, आपके पास जो आधा वर्ण है, आधे वर्ण के बाद में जो य है, उस य को आपको छोटी की मात्रा में परिवर्तित करना है जो कि आधे वर्ण के अंदर लगेगी। यहाँ पे त आधा था तो हमने त में किसकी मात्रा लगा दी? छोटी ई की मात्रा लगा दी, ठीक है। और य के अंदर जो स्वर होता है उस स्वर से दूसरा वाला शब्द हमारा शुरू होता है। तो य में यहाँ पर अ था तो हमने अ से इसको अलग कर दिया, क्या हो गया? अधिक। दूसरा देखिए, अत्यंत, ठीक है। तो वही आधा वर्ण से हमको तोड़ना है, आधे वर्ण कौन सा है? त। तो त में हम क्या लगाएंगे? छोटी ई की मात्रा। अब य में देखिए कौन सा स्वर है इसमें? अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा से ही हम ये दूसरा शब्द शुरू करेंगे, क्या हो गया? अंत, अति धन अंत। अगर ऐसे ना, अगर कि आपके पास में विच्छेद आता है और आपको कहता है इसका संधि शब्द बनाइए, तो आपको सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है और पीछे क्या है? असमान स्वर, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा को आपको किसमें बदलना है? या हमने त में से पहले एक काम करते हैं, छोटी ई की मात्रा निकाल देते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा हमने निकाल दी, अब इस छोटी ई को हमको किस में परिवर्तित करना है? य में। हमने इसको य में बदला, आगे का शब्द ऐसे कैसे लिखो? अर्थ, ठीक है। और पीछे आ गया हमारा अंत। अब य इसमें आएगा और अ य में जुड़ के य को पूरा करेगा। देखिए, अ ये त आधा लिखा, फिर य में अंग की मात्रा लग के ये जुड़ गया, तो क्या बन गया? ये अत्यंत बन गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा संधि विच्छेद भी कर लिया हमने और संधि भी बना ली इसकी। अत्याचार, तो वही करना है हमें, त में ई की मात्रा लगाई और य में से हमने स्वर निकाला, क्या आ गया? आचार, अत्याचार, ठीक है। फिर गति अवरोध, गति धन अवरोध, क्या हो गया? गति अवरोध। पर्यटन, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो पर्यटन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए आधा वर्ण कौन सा है? यहाँ पर ये जो र है ये आधा है, तो बस
हमें यहीं से इसे तोड़ना है। क्या करेंगे हम? परी धन, य में कौन सा स्वर है? अ। क्या हो गया? पर्यटन। पर्यटन का मतलब क्या होता है? परी यानी चारों ओर, अटन यानी घूमना। तो चारों ओर घूमना, घूमने वाला, घूमना क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। घूमने वाला क्या कहलाता है? पर्यटक कहलाता है। परिधन अटक पर्यटन, ठीक है। तो परिधन अटन, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है आधा वर्ण होना चाहिए। अब ये आधा वर्ण, ये र परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये पहले से इसके अंदर है, ठीक है। ये हमारा हो गया पर्यटन। फिर देखिए परिधन आप्त, क्या हो गया? पर्याप्त। परिधन आप्त क्या हो गया हमारा? पर्याप्त, ठीक है। न्याय, अब वही हमें वही करना है, निधन आय। कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपको आधा वर्ण मिल रहा है उस आधे वर्ण के बाद में यह है, तो यह हमारा किस में बदल जाएगा? छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। और वो छोटी की मात्रा के बाद में यह के अंदर कौन सा स्वर है, उस स्वर से अगला शब्द आपका शुरू हो जाएगा। व्यय, वी धन अय, व्यय। अभ्यास, अभी धन आस। यह में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। और भ आता है हमारा, तो भ हमें भ में क्या लगा दिया? छोटी की मात्रा लगा दी। और छोटी की मात्रा लगाने के बाद में हमने उसको भी क्या किया? जो यह में स्वर था हमने उससे दूसरा शब्द शुरू कर दिया। न्यून, नी धन ऊन। या देखिए यह में बड़े की मात्रा है, तो बड़े उसे हमारा दूसरा शब्द शुरू हो गया, ठीक है। फिर व्यायाम, वी धन आयाम। क्या हो गया? व्यायाम। तो ये थी हमारी यण संधि का पहला, कि यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो हमारी जो ई है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? य में परिवर्तित हो जाती है। कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके, हम उसको करते हैं। हमने अभी देखा था, हमने संधि शब्दों का विच्छेद किया था, अब हम विच्छेद शब्दों की संधि बना के देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है प्रतिधन उपकार। क्या दिया हुआ है? प्रतिधन उपकार। तो देखिए छोटी की मात्रा और उ, छोटी के बाद में असमान स्वर है, तो छोटी को हम किस में बदलेंगे? य में। इस छोटी को इसमें से निकालिए, किसमें से? प्रति में से हम छोटी को निकालते हैं, तो क्या बचा है यहाँ पर? आधा त। देखिए कैसे, ये त में से हमने ई निकाल ली, पीछे क्या है? उपकार। अब ई को किसमें बदलना है हमें? य में। किसमें बदलना है? य में, ठीक है। तो ये हम आगे लिख दिया, पीछे हमने उपकार लिख दिया, ठीक है। अब आधा त और आधा य, लेकिन यहां पर क्या है? उ स्वर है, तो य में हम उ स्वर जोड़ेंगे तो क्या हो गया? यू। और पीछे का ऐसे कैसे लिख दो? क्या हो गया? प्रत्युपकार। क्या हो गया? प्रत्युपकार। आधा वर्ण प्लस य, क्या होता है हमारी? यण संधि होती है, ठीक है। फिर है पर्यंक। पर्यंक का भी वही होगा, जो ई की मात्रा है वो किस में बदलेगी? य में बदलेगी। और य में अस्वर जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का क्या हो गया हमारा? प्रत्युपकार। क्या हो गया? प्रत्युपकार। दूसरे वाले का क्या हो गया हमारा? पर्यंक, ठीक है। ये जो र था ये आधा हो गया, इसलिए ये कहां चढ़ गया? ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अगर आप इसे आप गुण संधि मानते हो तो इसका विच्छेद कैसे करोगे आप? प धन रिंक। हिंदी में रिंक शब्द नहीं होता, ये निरर्थक है, इसीलिए ये गलत होगा। इसका उत्तर क्या होगा? परिधन अंक पर्यंक। फिर प्रत्यर्पण, तो क्या होगा ये? प्रत्यर्पण। क्या होगा? प्रत्यर्पण। तो हम इसे ई निकाली, इसको हमने य में बदला और अस्वर उसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया? प्रत्यर्पण, ठीक है। व्यवहार, विधन अवहार। व्यवहार क्या हुआ? व्यवहार, विधन अवहार। विधन अष्टी क्या होगा? व आधा रह गया, ई को हमने य में बदला और पीछे वाला इसमें जुड़ गया, क्या हो गया? व्यष्टि। क्या हुआ? व्यष्टि। प्रतिधन उपकार क्या हो गया? ये हमारा हो गया, ये दोबारा आया, ठीक है। फिर अभिधन उदय, तो भ को हमने आधा कर दिया, ई को हमने य में बदल दिया, पीछे वाला उ इसमें जुड़ गया और क्या हो गया ये? अभ्युदय। अभिधनस्त भ
भ को हमने आधा कर दिया, यानी इससे से हमने ई निकाल दिया। ई को किसमें बदला, य में बदला, और पीछे वाला अ जुड़ के य को पूरा किया और आगे का वर्ण ऐसे कैसे किया, क्या हो गया अभ्यस्त। फिर है विधन आकरण। आप जो चीज पढ़ रहे हो यानी आप व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है, विधन आकरण। अगर और डीप जाना चाहो और गहराई में जाना चाहो तो व्याकरण का विच्छेद होता है विधन आ धन क्री धन अन। व्याकरण शब्द के अंदर एक और दो, दो तो उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, मूल धातु क्या है क्री, क्या है क्री, इस क्री में अन प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या हो गया करण, आगे आ लग गया और ये हो गया वी, तो वी प्लस आ क्या हो गया व्याक और करण क्या हो गया व्याकरण। तो हमारी संधि जो हमारी पढ़ रहे हैं हम संधि किसकी पढ़ रहे हैं, व्याकरण की संधि पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होता है विधन आकरण, क्या हुआ व्याकरण। फिर पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण क्या होता है बच्चों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा और विज्ञान में भी पढ़ा होगा, क्या होता है इसका परि प्लस आवरण होता है हमारा पर्यावरण। परि यानी चारों ओर से, आवरण यानी घेरे हुए, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही हमारा क्या है पर्यावरण है। ठीक है आगे देखते हैं ऊपरी धन उक्त, तो क्या हो गया ये उपर्युक्त, र ऊपर चढ़ गया, छोटी ई किसमें बदला हमारा य में बदला, पीछे वाला ऊ इसमें जुड़ करके उसको पूरा किया। ठीक है देवी धन अर्पण क्या हुआ देव्यर्पण, क्या हुआ देव्यर्पण, देवी का हमने ई निकाल लिया तो हमारा व आधा रह गया। ठीक है जब व आधा रह गया में ई को हमने य में बदला, पीछे वाला स्वर उसमें जुड़ गया, क्या हो गया हमारा देव्यर्पण। ठीक है ये थे हमारे कुछ और उदाहरण। अब हम देखते हैं उ यानी कैसे उ को व में परिवर्तित करते हैं और उनसे कैसे संधि विच्छेद होता है और कैसे संधि विच्छेद से नए शब्द बनते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं यदि उ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो उ किस में परिवर्तित हो जाता है व में। देखिए यहां पर व है, यहां पर व है, व व व व, ठीक है व व व व व व व, लेकिन इस व से पहले आपको आधा वर्ण भी मिल रहा है, यहाँ आधा न है, आधा स आधा स आधा न आधा स आधा ध, फिर आधा स आधा त आधा न आधा न आधा ध आधा ध आधा र। ठीक है तो आधा वर्ण प्लस व अर्थात बराबर इक्वल्स टू क्या होगी हमारी यण संधि होगी। अब हम इसे तोड़ेंगे कैसे, इसे विच्छेद कैसे करेंगे, देखो यहाँ जो व दिया हुआ है इस व को आप बदलो उ की मात्रा में, किसमें बदलो उ की मात्रा में, और इस व में जो स्वर है उससे हम पीछे वाला शब्द शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है पहले हम इनको अलग अलग कर देते हैं, अन धन व य, ठीक है अब अन ये व किसमें बदला उ में, अब व में किसकी मात्रा है अ, पीछे क्या है य, अब इस उ की मात्रा को इसमें जोड़ दो क्या हो गया अनु धन ए, क्या बन गया अन्वय। दोबारा देखिए हमने न में से व को अलग किया तो न आधा ही था हमारा, हलंत लगा दिया हमने इसके नीचे, फिर व, ठीक है अब हमने व को उ में परिवर्तित किया और व में जो स्वर था उससे हमने दूसरा शब्द शुरू कर दिया, तो क्या हो गया ये उ को हमने न में जोड़ दिया तो छोटे उ की मात्रा लग गई अनु हो गया, और पीछे वाले शब्द को हमने ऐसे कैसे लिख दिया क्या हो गया अनुधन ए अन व। ठीक है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा अनुधन आए, अनुधन आए। ठीक है फिर है स्वच्छ, इसमें भी हमें यही करना है, क्या करना है व को हमें छोटे उ की मात्रा में बदलना है, ये बदला हमने, अब व में किसकी मात्रा है अ की, तो क्या हो गया ये अच्छ सुधन अच्छ, क्या हो गया स्वच्छ, वही कार्य यहां होगा स में व लग रहा है अब व को हम उ में बदलेंगे, व में कौन सा स्वर है अ, क्या बन गया सुधन अल स्वल। ठीक है अन विक्षा, ठीक है तो वही चीज न
न व को हमने चेंज किया उ की मात्रा में, तो व के जस्ट आगे क्या है न। या ऐसा करो, इसको ऐसे करो, तुम जो भी आधा स्वर है आधे स्वर में आप लगा दो उ की मात्रा। क्यों लगानी है? क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? व व व। जैसा हमने य वाले में किया था, हमने य से पहले वाला जो वर्ण था उसपे, जो आधा वर्ण था उसपे क्या लगाई हमने? ई की मात्रा लगाई, और य के अंदर जो स्वर था उसको अलग करके हमने दूसरा शब्द बना दिया। वही चीज हम यहाँ करते हैं। देखिए, हमने व के पहले कौन सा वर्ण है? न। तो न पे हमने लगाई छोटी की मात्रा, और व में जो मात्रा उससे दूसरा शब्द शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया ये? अनुधन ईक्षा। क्या हो गया? अनवीक्षा। फिर है स्वागत। स है, व से पहले इसमें लगाई छोटी की मात्रा, व में आ है, उसको हमने अलग कर दिया। क्या बन गया? सुधन आगत स्वागत। बहुत बार परीक्षा में पूछे हुए हैं अनवीक्षा और स्वागत। ठीक है, फिर मध्वाचार्य। वही चीज, व से पहले क्या है? ध। ध में हमने उ लगाया, और ध व में से मात्रा को अलग किया। क्या बन गया? मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। वही चीज हम यहाँ करेंगे। स्वस्ति सुधन अस्ति। क्या हो गया? स्वस्ति। स में हमने उ की मात्रा लगाई, और व में जो स्वर था उसको अलग करके हमने दूसरा शब्द बना लिया। धात्विक, धातु धन इक। क्या बन गया? धात्विक। अन्वेषण अनु प्लस एषण। क्या बन गया? अन्वेषण। क्या बन गया? अन्वेषण। अन्वीक्षा अनु धन ईक्षा। क्या बन गया? अन्वीक्षा। फिर वधवागमन, बहुत बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। क्या हो गया ये? वधु धन आगमन। क्या हो गया? वधवागमन। फिर वधवाचरण क्या होता है? वधु धन आचरण, वधु धन आचरण, वधवा चरण, गुर्वादेश। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर व भी है और ऊपर हमें आधा र मिल रहा है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जो आधा र है उसमें व की जगह क्या लगा दें हम? उ की मात्रा। तो ये क्या हो गया? गुरु धन आदेश। तो क्या हो गया हमारा? गुर्वादेश। तो ये थे हमारे यण संधि के उ वाले उदाहरण। अब हमने संधि का विच्छेद किया है, अब हम क्या करेंगे? विच्छेद की संधि बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो अभी हमने देखा था संधि शब्दों का विच्छेद किया था हमने। अब हमारे पास विच्छेद शब्द है, यानी संधि विच्छेद किया हुआ है, हमें इनसे शब्द बनाना है, संधि शब्द बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये देखिए, सुधन अस्थि, यहाँ क्या है? उ की मात्रा, उ के साथ में अ है, असमान स्वर है। तो इस उ की मात्रा को हम किसमें बदलेंगे? व में। पहले इन्हें अलग अलग करके देख लेते हैं। देखिए, ये हमने स में से उ निकाला। ठीक है, पीछे का अस्थि क्या है? अस्थि। अब इस उ को हमें किसमें बदलना है? व में बदलना है। ठीक है, किसमें बदलना है? ये हमने बदला व में, पीछे लिखा अस्थि। तो ये अ इसमें जुड़ के इस व को पूरा बनाएगा। ठीक है, और ये आधा स रह गया। क्या बन गया? स्वस्ति। क्या बन गया? स्वस्ति। ठीक है, आया आपको समझ में? हमें क्या करना है? उ को व में बदलना है, और पीछे वाला जो स्वर है वो व में जुड़ करके उस व को पूरा करेगा। तो इसका क्या हो गया हमारा? स्वस्ति। क्या हो गया? स्वस्ति। फिर है हमारा मधुधन आलय, मधुधन आलय। इसका क्या होगा हमारा? वही ध आधा रह गया, उ को हमने व में बदला, पीछे वाला स्वर उसमें जुड़ा, तो क्या बन गया ये? मधवालय। क्या बन गया? मधवालय। अनुधनीति, न में उ है, उ को हमने किसने बदला? व में। अब व में बदलने के बाद में हमने व में छोटी की मात्रा जोड़ी, तो वो क्या बन गया? विति। देखिए, अन विति। क्या बना? अन विति। ठीक है, तो ये हमारा अनविति बन गया। अब देखिए, देवी धन आगमन, वही हमें ई को किस में बदलना है? य में। ये ई वाला एग्जांपल आ गया, चलो इसे भी कर लेते हैं। क्या हो गया ये? देव्या गमन। ठीक है, ये ई वाला है। अब है अनुधन ईष्ट, यहाँ उ है, इस उ को किस में बदला हमने? व में बदला, तो ये क्या हो गया? अ आधा न हो गया व। अब यहाँ पर क्या है? छोटी ई, ये छोटी की मात्रा इसमें लगी, क्या बन गया? अन्विष्ट। क्या बना? अन्विष्ट। आगे देखिए, अनुधन ईक्षक, ये उ की मात्रा किसमें बदली? व में। न रह गया आधा,
वह अब यहाँ पर किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो ये बड़ी की मात्रा यहाँ लगी और ये बन गया अनवीक्षक। क्या बन गया? अनवीक्षक। भानु धनस वही हमने उ को किसमें बदला, व में, न हमारा आधा रह गया पीछे वाला अ, व में जुड़ के व को पूरा किया, क्या बन गया भानवस्त। साधु धन आचार ध आधा रह गया, उ को हमने व में बदला पीछे का अ व में जुड़ के व को पूरा किया, क्या बन गया साधवाचार्य, साधु का व्यवहार। लघु धन आदि घ को हमने आधा किया, उ को हमने व बनाया, आप हमने इसमें जोड़ा, क्या बन गया लघुवादी। ठीक है, साधु धन आचरण साधु यानी सा आधा धर हो गया, वा चरण क्या बन गया साधवा चरण। ठीक है, ये थे हमारे, यदि उ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो वो उ व में परिवर्तित हो जाता है, आधा वर्ण प्लस व किसकी पहचान है यण संधि की। अब हम देखते हैं यदि री के बाद में असमान स्वर आ जाए तो उसे र में कैसे परिवर्तित करते हैं और कैसे उसका संधि विच्छेद या संधि शब्द बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं कि र कैसे होता है। ठीक है, पित्र पित्रानुमति। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखिए त्र, ये जो त्र है ये त्र किसके मिलने से बनता है, त और र धन अ इसमें है, स्वर इसमें अ है तो वह अ हो गया। ठीक है, तो त र और अ, यहाँ पर हमें र मिल रहा है, र के साथ में आधा वर्ण मिल रहा है, र के साथ में आधा वर्ण मिल रहा है तो हमारी कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर यण संधि हो गई। ठीक है, एक बात और ध्यान कीजिएगा, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है अर्ध स्वर कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य और व को अर्ध स्वर माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमारा पितृ अनुमति है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हमें क्या कराना है, पहले अक्षर में तो पहले वाले शब्द में तो री होना चाहिए और बाद वाले में असमान स्वर होना चाहिए, तो इसका होगा पितृ धन अनुमति। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसे आप, जिसमें अभी आपको र दिख रहा है उस र को आप री में परिवर्तित करेंगे और जिसमें वो र लग रहा है उसमें आप मात्रा लगा देंगे री की। अब यहाँ पर भी देखिए पितृ इच्छा पितरी धन इच्छा, क्या हो गया पितृ इच्छा मात्र आज्ञा। अब यहाँ पर त में र लग रहा है तो यहाँ पे हम र की जगह री कर देंगे और उसमें किसकी मात्रा है आ की, क्या बन गया मातृधन आज्ञा, क्या हुआ मात्र आज्ञा। मातृ इच्छा वही इसमें भी होगा मातृ धन इच्छा, क्या हुआ मातृ इच्छा, क्या बन गया मातृ इच्छा। पित्रादेश पितरी धन आदेश, इसे हम री की मात्रा बोलते हैं इसलिए इसका उच्चारण भी री के जैसे होता है, जैसे पित में री की मात्रा लगी तो क्या हो गया पितरी, क्या हो गया पितरी। अब मात्रानंद तो मातृ धन आनंद मात्रानंद, पित्राज्ञा पितृ धन आज्ञा। फिर मातृपदेश इसमें भी हम यही करेंगे मातृ धन उपदेश। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी यण संधि का तीसरा वाला पार्ट जिसमें हमें अगर री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसे परिवर्तित करके र बना देते हैं। तो ये थी हमारी यण संधि, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लास्ट स्वर संधि की आयादी संधि, तब तक के लिए धन्यवाद।